હાય ગાઈઝ, હું છું ધ્રુવ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ટેક બરના. તો આજ મેં બાત કરને વાલા હું સેમસંગ કે નયે સ્માર્ટફોન જો અભી અભી રિસેન્ટલી લોન્ચ હુઆ હૈ. જી હા દોસ્તો, મેં બાત કર રહા હું સેમસંગ ગેલેક્સી A32 કે બારે મેં. ઇસકે બારે મેં ઓલરેડી આપને કાફી સારે વિડિયોઝ દેખે હોંગે, ઓનલાઈન માર્કેટિંગ દેખી હોગી સેમસંગ કી, एड्स देखे होंगे. और सैमसंग का कहना यह है कि ये एक ऑफलाइन प्रोडक्ट है, मतलब लोगों को ऑफलाइन पागल बना दिया जाएगा. इनफैक्ट ऑनलाइन भी वाया डिफरेंट एड और मोबाइल प्लान, जहां पर जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपसे छुपाए जाएंगे, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर. लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड करते हैं. यहां पर मैं बात कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी A32 के बारे में, जो कि एक अपग्रेड मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी A31 का, जो पिछले साल लॉन्च हुआ था हीलियो P65 के साथ, और अब ये लॉन्च हुआ है मीडियाटेक का हीलियो G80 के साथ विद द सेम प्राइस पॉइंट ऑफ 21,999 रुपीज. अब चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले क्या क्या चीजें जो मुझे लगे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए. लेकिन सैमसंग चाहता है कि उनके जो सारे इन्फ्लुएंसर है, जो सारे पब्लिकेशन है जिनके साथ उन लोगों का टाइप है, वो इन चीज़ों के बारे में आपसे ज़्यादा बात ना. तो सबसे पहली चीज़, मीडियाटेक का G80 चिपसेट जो है 12 नैनोमीटर बेस्ड और सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज चिपसेट नहीं है. इनफैक्ट ये वही चिपसेट है जो आपको मिलती है रेडमी 9 में, जो मिल जाता है मार्केट में 9,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर, वीवो Y20 G13,000, रियलमी के नार्जो 10, जो अब तो नार्जो 20 भी आ चुका है, 10,000 का जो फ़ोन लॉन्च हुआ था वही चिपसेट है. इनफैक्ट काफ़ी सारे Xiaomi और Realme के स्मार्टफोन के अंदर यही चिपसेट आप लोगों को मिल जाता था, जो 10,000-15,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर जो सैमसंग अब बेच रहा है आपको 22,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर, इस बात का ध्यान रखना. क्योंकि आप लोगों को ये बोला जाएगा कि इस फोन के अंदर बहुत ही बढ़िया स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा और गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहेगा. वेल दोस्तों, अगर आप पबजी खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो या फिर फौजी भी खेलते हो, देन आई एम श्योर कि आपको इतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही बेकार चिपसेट है, बट देन इट इज अ गुड फॉर दैट स्मार्टफोन विच प्राइस नियर अबाउट 10,000 रुपीज, नॉट फॉर अ 22,000 रुपीज. और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको इस फोन में मिलता है EMMC 5.1 का स्टोरेज, जो UFS फ्लैश स्टोरेज के कंपेरिजन में बहुत ही बेकार है, और ये मिलता है आपको सारे बजट फोन के अंदर. अगर आप बड़ी साइज की फाइल ट्रांसफर करते हो, मूव कर रहे हो, देन यू विल रियलाइज कि कितना बेकार होता है ये स्टोरेज. एंड आजकल तो मतलब बजट स्मार्टफोन के अंदर भी आपको UFS स्टोरेज मिल जाता है. लेकिन सैमसंग का कहना यह है कि ऑफलाइन लोगों को पागल बनाना है, दुकान में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो सबको सब कुछ बेच देंगे. और आप लोग आंखें बंद करके सोचते हैं कि सैमसंग ने बोला है तो ले लेते हैं. रुकिए, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बताऊंगा कुछ अच्छे ऑप्शंस, सैमसंग के भी अच्छे ऑप्शंस. ये नहीं कि सैमसंग को मैं हेट करता हूँ, मैं हेट करता हूँ प्रोडक्ट्स को, उनके पॉइंट टू पॉइंट के बारे में बात करता हूँ. जैसे कि फ़ोन के अंदर आपको मिलता है सिंगल स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर नहीं, डॉल्बी तो भाई भूल ही जाइए. और अब एक चीज़ के बारे में बात करूँ, जब भी हम बात करते हैं रियलमी की, शाओमी की, तो बोला जाता है कि भाई उसमें काफ़ी सारा ब्लोटवेयर है, एड्स है. तो इस फ़ोन के अंदर भी आपको ब्लोटवेयर मिल जाता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, फेसबुक, फ़ोनपे, प्राइम वीडियो, डेली हंट, स्नैपचैट, MS ऑफिस. लेकिन ये सब ठीक है यार, मतलब नेटफ्लिक्स मैं भी यूज़ करता हूँ, प्राइम वीडियो मैं भी यूज़ करता हूँ, और ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो. लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ सैमसंग जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन के अंदर भी आपको मिलता है कैंडी क्रश सागा, मौज, सैरचैट, MX टकाटक, मतलब फिर तो मतलब बकवास ही है. मतलब सैमसंग और जो बेकार ब्रांड है उनके कंपेरिजन में, मतलब सैमसंग के आप प्रीमियम ब्रांड है, मतलब ऐसे बेकार प्री इंस्टॉल ऐप डालते हैं ये लोग और उसके पैसे दिए जाते हैं. ऑब्वियसली सैमसंग को ये सब एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल करने के पैसे दिए जाते हैं, और आप लोगों को बोला जाता है कि भाई उसे आप बाद में अनइंस्टॉल कर सकते हो. दैट इज नॉट द होल पॉइंट, राइट? जैसे सैमसंग आपको बोलता है कि भाई इस फोन के पैकेज के अंदर आपको मिलता है 15 वॉट का फास्ट चार्जर. वेल दोस्तों, आप बताइए 2021 में फास्ट चार्जर अगर 15 वॉट का है, वो भी 20,000 के प्राइस पॉइंट के फोन का, देन व्हाट अबाउट 30 वॉट, वॉट अबाउट 65 वॉट? इनफैक्ट रियलमी ने अभी एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था 20,000 के नीचे, जहां पर 65 वॉट का चार्जर दिया था,
वो स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी की है, देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि सैमसंग को भी 15 वॉट के बदले 65 वॉट का देना चाहिए, एटलीस्ट 30-35 वॉट का तो होना चाहिए या फिर 25 वॉट का तो देना ही चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ कुछ अच्छी चीजों की इस फोन को लेकर। बहुत ही अच्छी डिजाइन है, काफी इंटरेस्टिंग कैमरा लेआउट भी है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। 90Hz रिफ्रेश रेट अच्छी बात है, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ऑनेस्टली आप जाइए किसी भी सैमसंग स्टोर में, अगर ऑफलाइन प्रोडक्ट हो तो आपको डेमो फोन मिल जाएंगे, यूज कीजिए, कंपेयर कीजिए किसी भी 90Hz स्मार्टफोन के साथ, आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई नाम के लिए थियोरेटिकली बहुत अच्छा है लेकिन मीडियाटेक G80 के साथ इतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। Y1 L1 सर्टिफिकेशन है, कैमरा में क्वाड कैमरा सपोर्ट है, फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का विच इज नॉट बैड, 5000mAh की बैटरी, नॉट दैट ऑप्टिमाइज्ड बिकॉज ऑफ द चिपसेट अगेन, लेकिन Android 11 One UI 3.1 ये सब चीजें अगर आप मिला के देखते हो देन आई थिंक थोड़ा सा फोन स्लगिश हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। तो अगर आप कंसीडर करते हो नया फोन लेना 20,000 से 25,000 तक या फिर 30,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर, तो मैं आपके लिए दूसरे ऑप्शन देता हूँ। तो पहला जो ऑप्शन है सैमसंग का ही गैलेक्सी M51 23,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G और 7000mAh की बैटरी, मतलब आप सोचोगे कि एक बेटर क्वालकॉम चिपसेट, 7000mAh की बैटरी, और आपको लगता है कि भाई मुझे सैमसंग के अलावा कौन से ऑप्शन है, देन आई वुड टू से कि OnePlus का ही नॉट ले लीजिए, जो बहुत ही बेहतरीन हॉट सेलिंग स्मार्टफोन है। OnePlus की तरफ से मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च किया था जो एक सुपर सेलर स्मार्टफोन है। ये दोनों ऑप्शन है, डोंट गो फॉर द सैमसंग गैलेक्सी A32, मतलब ये तो भाई बहुत बड़ा मजाक है। प्लीज आप लोग आंख बंद करके सारे फोन मत खरीदिए, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये फोन खरीदना ही है तो पहले स्टोर पे जाइए, चेक कीजिए, ट्राई आउट कीजिए, उसके बाद में सोचिए कि भाई ये मेरे लिए बेटर रहेगा या फिर नहीं रहेगा। वेल दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कहे हैं अपने ऑनेस्ट थॉट इस फोन के बारे में, और अगर आप सोच रहे हो कि इसी तरह के वीडियो आगे भी लाता रहूं जहां पर हर स्मार्टफोन के बारे में मेरे जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो सब कुछ आपको खुलकर बताओ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपकी तरफ से ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर एवरी सिंगल स्मार्टफोन इन द सेम फॉर्मेट। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हेल्दी, स्टे सेफ।